चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉमन मिस्टेक के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे इक्लिप्स है, इक्लिप्स में अगर हम लोग कहीं पे भी XML फाइल अगर सर्च कर रहे हैं, XML सपोज हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा जावा का प्रोजेक्ट है उस पे हम अपना अगर XML फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या कभी कभी क्या होता है वो XML फाइल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर जावा का आप लोग काम कर रहे हो, जैसे अगर GSP सर्वलेट या JDBC या किसी टाइप का अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो कभी कभी क्या होगा आपको इक्लिप्स में या IntelliJ आइडिया या किसी में अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है या आप लोग XML फाइल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्लिप्स में देख लेते हैं। तो इक्लिप्स के लिए आप लोग को क्या करना है, जैसे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का आपको इडर्स हो रहा होगा। तो जैसे हमें क्या हो, कोई अगर हमें XML फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे अगर सर्च करोगे देखोगे तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, तो हमें अदर्स पे जाना होता है। अदर्स के जाने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना होता है। अगर सर्च करेंगे यहाँ पे अगर मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सर्च में शो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हेल्प लिखा हुआ है, इस हेल्प पे क्या करना है हमें क्लिक करना है। तो मैं हेल्प पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद में हमें कहाँ जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे XML मार्केट प्लेस पे आ जाने के बाद में आप लोग को यहाँ जो सर्च बार का आइकन बना हुआ है, इस सर्च आइकन में आपको सर्च करना है XML एडिटर। XML एडिटर जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ अभी आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अच्छा है यहाँ पे अभी चल रहा है, देखो यहाँ पे 29 ये फर्स्ट रैंक पे है, ये हमारा ये सेकंड रैंक पे है। तो मैं अब ये काफ़ी यूजफुल है ये वाला रिंजो वाला। अगर आप लोग VS कोड कर रहे हो तो इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना यहाँ वहाँ पे अपने VS कोड में ही, और अगर आप लोग IntelliJ आइडिया यूज कर रहे हो तो इसका भी वहाँ पे जो प्लगइन होता है उसको सिलेक्ट करके आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी इक्लिप्स में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है इंस्टॉल करना है। तो इस पे जाके क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे हमें कंफर्म कर दे रहा हूँ कि हाँ हमें रिंजो XML एडिटर चाहिए, कोर या जो भी होता है। अब यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे फिनिश कर दे रहा हूँ, मैंने फिनिश कर दिया। अब ये हमारा क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 48% इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में हमें देखना है कि क्या है इसमें, जो भी अभी उसका प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। सपोज हमारा एक बार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो हमें क्या करना होगा, अपने इक्लिप्स को क्या कर देना, रिस्टार्ट कर देना। रिस्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, सेम यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सोर्स वाला RC मेन जावा, यहाँ पे राइट क्लिक करके अदर पे जाके वहाँ पे सब में सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा XML वाला आ जाएगा वहाँ से हम लोग जो भी XML। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या कर बोल रहा है कि ये हमारे इस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इक्लिप्स को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव भी कर दे रहा हूँ। जो XML फाइल क्रिएट करने के लिए हमें चले जाना होगा सोर्स मेन और स्लैश जावा, इस पर हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कोई XML एक्सटेंशन दिख नहीं रहा इसलिए हमें अदर्स पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिससे मैं सर्च करूँगा रिस्टार्ट करने के बाद, रिस्टार्ट का खुद वो प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो XML फाइल आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नाम देना होगा यहाँ पे .XML एक्सटेंशन के साथ आप लोग उसका नेम दे सकते हो। तब मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कन्फिग, या मतलब कन्फिग्रेशन हमें करना है तो मैं कन्फिग दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर दूँ या फिनिश कर दूँ, क्रिएट फाइल फ्रॉम ये जो दिया गया है ये टेम्पलेट से दिया गया है उसी से हमें करना है, ये सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फिनिश कर दे रहे हैं।